Hello dear student, classification of elements and periodicity in properties from CBSE class 11 chemistry का आज ये lecture number 3rd है। तो देख लेते हैं इस video lecture का objective क्या है। तो आज हमारा objective है Luther-Meyer's curve। This is very important curve। इस curve के बारे में पढ़ेंगे, इस curve का observation हम समझेंगे और फिर इसका conclusion देखेंगे। ये है हमारे सामने जूलियस लूथर मेयर इन 1869 अ जर्मन साइंटिस्ट। इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था इन बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। सो जस्ट इमेजिन डियर स्टूडेंट, एलिमेंट का उन्होंने एटम का एलिमेंट में जो एटम है उसका वेट भी कैलकुलेट किया और उसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट किया, और ऐसे एक एलिमेंट का नहीं कई एलिमेंट का किया, और फिर उन्होंने हमें ये ग्राफ दिया। तो ये है रहा मेरा एक्स एक्सिस जहां पे उन्होंने एटॉमिक वेट को प्लॉट किया, ये रहा मेरा वाई एक्सिस जहां उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम को प्लॉट किया। अब देखिए ये जो कर्व हमें मिल रहा है, इस कर्व को हमें ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंक्लूड भी करना है। तो ग्राफ के जो टॉप पोजिशन है जिसको हम पीक कहते हैं, यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा कुछ स्पेशल एलिमेंट जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ये सीएस होगा, ठीक है, ये सीजियम है। अच्छा मैं आपको जरा पीरियोडिक टेबल दिखा देती हूँ। ये देखिए पीरियोडिक टेबल में आपको ये कौन से एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं, देखिए जो हमारे ग्रुप वन में रहता है। ये मेरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसका मैं यहाँ पे रेफरेंस ले रही हूँ। ये ग्रुप वन है, ये सारे एलिमेंट हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, यानी कि इनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। ये सारे में, ये सारे क्या कहलाते हैं, अल्कली, अल्कली एलिमेंट कहलाते हैं। तो ये सारे एलिमेंट देखिए एक ही साथ सब के सब पीक में नजर आ रहे हैं हमें। दूसरी बात, जब हम लिथियम से नीचे की तरफ आ रहे हैं या फिर सोडियम से नीचे की तरफ, यानी ग्राफ में हम जब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमें अब देखने को मिल रहा है दूसरा एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम से नीचे उतर रहे हैं तो कैल्शियम, रुबिडियम से नीचे उतरे तो स्ट्रॉन्शियम, और सिमिलरली कैल्शियम से नीचे उतरे तो बेरियम। अब ये सारे एलिमेंट भी मेरे पीरियोडिक टेबल में देखिए ग्रुप हैं, एक ही ग्रुप में। ये सारे ग्रुप क्या है, एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं। ये पूरा का पूरा एस ब्लॉक, ये पूरा का पूरा क्या है, पी ब्लॉक, ये बीच वाला है क्या, पिंक वाला, डी ब्लॉक, और नीचे के दो क्या है, एफ ब्लॉक। तो ब्लॉक में वही एलिमेंट रहते हैं जो एक जैसे प्रॉपर्टी शो करते हैं, और यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है सारे ग्राफ के असेंडिंग में एक जैसे प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट। अब हम दूसरा फीचर देख रहे हैं, जब ग्राफ में हम ऊपर की तरफ चढ़ते हैं यानी असेंडिंग मोड में, सोडियम की तरफ जाते हुए हमें कौन दिख रहा है, फ्लोरीन, पोटेशियम की तरफ जाते हुए हमें कौन मिल रहा है, क्लोरीन, और रुबिडियम की तरफ ब्रोमीन एंड सीजियम की तरफ आयोडीन। ये सारे कौन है, ये सारे पी ब्लॉक के, ये देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे हैलोजेंस हैं जो कि हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। अब आ जाते हैं बेस में, ये सारे देखिए बेस के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे हैं मेटलॉइड्स या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट। मेटलॉइड्स कौन है, वो एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, जैसे कि ये रहा बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, मेटलॉइड्स। और ट्रांजिशन एलिमेंट ये पिंक वाले जो कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है, जिनको डी ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। तो इस ग्राफ में हमको देखने को मिल रहा है कि एलिमेंट्स जो एक जैसे हैं उनकी ग्राफ में पोजीशन भी सिमिलर ही है। तो ये था हमारा इसमें से ऑब्जर्वेशन। अब इस ऑब्जर्वेशन को जरा पॉइंट वाइज नोट कर लेते हैं। जो पिक में सारे एलिमेंट कैसे हैं, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, पीक से जैसे नीचे उतरते हैं तो हमें कौन मिलते हैं, अल्कली अर्थ मेटल। इनको अल्कली अर्थ मेटल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सारे जो अल्कली मेटल है ये अर्थ क्रस्ट में मिल जाते हैं। और जो थर्ड है मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन, ये क्या है, कर्व के एकदम नीचे के हिस्से में, दिस पॉइंट्स, एकदम लास्ट नीचे की पॉइंट पे। और चौथा है हैलोजेंस। हैलोजेंस हमें कहां देखने को मिलता है, जब हम ग्राफ में ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, हैलोजेंस, और अल्कली अर्थ में तो जब हम ग्राफ में नीचे की तरफ आ रहे हैं, डिसेंडिंग। अब इन ऑब्जर्वेशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आ रहा है
एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सिमिलर पोजिशन इन द ग्राफ, जैसे कि आज के हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखते हैं. एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप्ड इन अ सिमिलर ब्लॉक, और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, इन अ सिमिलर पोजिशन. आते हैं कुछ कंक्लूशंस. इस कर्व से हमें कंक्लूशन क्या मिल रहा है. फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट. देखिए यहाँ पे ये ग्राफ किसके किसके बीच में था, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट, एंड एटॉमिक वॉल्यूम इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी. तो एटॉमिक वेट और फिजिकल प्रॉपर्टी का एक बहुत सॉलिड रिलेशनशिप बिल्डअप करके दिखाया था लूथर मेयर ने. दूसरा पॉइंट जो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल आया था, उस पीरियोडिक टेबल में जो उन्होंने कंसेप्ट लाया था पीरियोडिसिटी का, उसका इंस्पिरेशन उनको डेफिनेटली लूथर मेयर कर्व से ही मिला होगा. एंड द लास्ट थिंग इज दैट पीरियोडिक फंक्शन. ये पीरियोडिक फंक्शन का टर्म सही मायने में लूथर मेयर ने ही दिया था, क्योंकि इससे पहले न्यूलैंड जो थे ऑक्टेव लॉ तो दिए थे कि हर आठवें एलिमेंट में हमें रिपीटेशन तो मिल रहा था, बट पीरियोडिक फंक्शन सही से वो जस्टिफाई नहीं कर पाए थे. यहाँ देखिए पीरियोडिक फंक्शन हमें कैसे मिल रहा है. When elements are arranged in increasing order of their atomic weight, element having similar property get repeated after a regular interval. अब ये interval 8 element का हो सकता है, 2 element का हो सकता है, ये उन्होंने नहीं बताया था. जैसे न्यूलैंड ने अपने आप को rigid कर लिया था कि हर आठवें element में हमें मिलेगा, so that was wrong. But हाँ, यहाँ पे जो interval हो रहा है वो regularly repeated हो रहा है, और यही इंस्पायर किया था मेंडलीफ को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले, जो अभी हम लॉन्ग फॉर्म मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं उससे जस्ट एक स्टेप पीछे जो पीरियोडिक टेबल मिला था हमें, वो यही से इंस्पायर था. तो आज का वीडियो यहीं तक. अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग रिएक्शन ट्यूब. सी यू एट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. टिल देन टाटा.